डियर स्टूडेंट क्लास एलेवंथ इंग्लिश मीडियम में अपना चैप्टर सिक्स वर्क एनर्जी एंड पावर चल रहा था वर्क एनर्जी एंड पावर के पार्ट फाइव हो चुके पार्ट फाइव में कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड रिलेशन बिटवीन कानेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स अपने हो गए थे वर्क एनर्जी एंड पावर के पार्ट सिक्स में आज का टॉपिक अपना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड इट्स ए एक्जाम्पल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी द मैकेनिकल एनर्जी और सम ऑफ कानेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेंस कॉन्स्टेंट रिमेंस ए कॉन्स्टेंट दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगेन द मैकेनिकल एनर्जी और सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ओके हाँ अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थोरम अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थॉरम वर्क डन बाई ए फोर्स इज इक्वल टू चेंज कनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इट मीन्स डब्लू इक्वल टू डेल्टा के डब्लू इक्वल टू डेल्टा के इक्वेशन फर्स्ट द वर्क डन बाई फोर्स वर्क डन बाई फोर्स अगेंस्ट वर्क डन बाय फोर्स वर्क डन ऑन द फोर्स अगेंस्ट इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन ऑन ए बॉडी अगेंस्ट फोर्स इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा यू और अगेंस्ट वर्क है डन अगेंस्ट फोर्स है तो वो क्या हो गया नेगेटिव हो गया दिस इज इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड डब्लू डब्लू इक्वल टू माइनस डेल्टा यू भी लिख सकते हैं तो यहां पर फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से माइनस डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा के और डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का सम जीरो है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या होगा जीरो होगा के प्लस यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट के प्लस यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट ओके okay? ये अपना लॉ था क्या लॉ था द मैकेनिकल एनर्जी और सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर कंजर्वेटिव फोर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर कंजर्वेटिव फोर्स दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हाँ एग्जाम्पल है मैकेनिकल बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रीली फॉलिंग बॉडी ओके हाँ, ये एग्जाम्पल है लेटेस्ट कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास एम ए बॉडी ऑफ मास एम सिचुएटेड एट हाइट एच फ्रॉम सरपेस ऑफ अर्थ फ्रॉम सर्पेस ऑफ अर्थ एट पॉइंट ए बॉडी इज इन रेस्ट इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू जीरो यू इक्वल टू जीरो तो ये पॉइंट ए हो गया इनिशियल वैन बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी इट मीन्स एक्सलरेशन ए इक्वल टू जी एंड रीच एट पॉइंट बी आर डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज ए टू बी इक्वल टू एक्स और ये पॉइंट क्या आ गया सी और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई बी बी यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई वी सी ये क्या हो गया एच माइनस एक्स एच माइनस एक्स ओके वेलोसिटी एट पॉइंट बी इक्वल टू वी बी वेलोसिटी एट पॉइंट सी इक्वल टू वी सी अगेन लेट ए बॉडी ऑफ मास एम लेट ए बॉडी ऑफ मास एम इज सिचुएटेड एट पॉइंट ए एट हाइट एच फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ एट दिस पॉइंट बॉडी इज इन रेस्ट इट मीन इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू जीरो वैन बॉडी स्टार्ट फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीच पॉइंट बी अंडर द ग्रेविटी इट मीन्स एक्सलरेशन एक्वल टू जी और एट पॉइंट बी वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स वी बी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉडी इज एक्स और ये एक्स डिस्टेंस हो गई तो सी टू बी की जो डिस्टेंस है बी टू सी एच माइनस है एक्स और वेलिसिटी एट पॉइंट सी इज ए वी सी ओके फर्स्टली काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट एज के ए इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर U की वैल्यू जीरो तो के ए की वैल्यू जीरो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B इज नहीं B क्या A एज ू ए और यू ए इक्वल टू एम जी एच मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी एट पॉइंट ए इज ई इक्वल टू के ए प्लस यू ए के ए प्लस यू ए और ई इक्वल टू के ए की वैल्यू जीरो यू ए की वैल्यू एम जी एच जीरो प्लस एम जी एच इक्वल टू एम जी एच इक्वेशन फर्स्ट ओके नाउ बॉडी स्टार्ट फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीच पॉइंट बी वेलुसिटी बिकम्स एट पॉइंट बी इक्वल टू वी बी इनिशियल वेल्यूसिटी यू डिस्टेंस टोल्ड बाई बॉडी इज इक्वल टू एक्स और इक्वल टू जी ओके तो फाइनल वेल्युसिटी इज डिटर्माइंड बाई इक्वेशन थर्ड ऑफ मोशन इक्वेशन थर्ड ऑफ बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ़ मोशन बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस सिंस वी इक्वल टू वी बी यू इक्वल टू जीरो ए इक्वल टू जी एस इक्वल टू एक्स ये हो गया ये वेलोसिटी ये वैल्यूज़ अपन पुट करें यहाँ तो वी बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस टू ए ए की जगह क्या आ गया जी और एस की जगह एक्स वी बी इक्वल टू अंडर रोट टू जी एक्स दिस इक्वेशन सेकेंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी वी बी इक्वल टू अंडर रोट टू जी एक्स अंडर रोट टू जी एक्स काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज के बी हाफ एम वी बी स्क्वायर और के बी इक्वल टू हाफ एम टू जी एक्स 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 कैंसिल के बी इक्वल टू एम जी एक्स पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी एट पॉइंट बी इज यू बी इक्वल टू एम जी हाइट कितनी होगी बी पॉइंट की फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ एच माइनस एक्स एम जी एच माइनस एक्स यू बी इक्वल टू एम जी एच माइनस एम जी एक्स मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट एट पॉइंट बी इज ई बी इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी के बी प्लस यू बी और ई बी इक्वल टू के बी की वैल्यू एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स कंसिल ई बी इक्वल टू एम जी एच दिस इज इक्वेशन थर्ड थर्ड अब पॉइंट सी की बात करें तो पर वे सी पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज बी सी एंड हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एच इक्वल टू जीरो एच इक्वल टू जीरो एट पॉइंट सी वेलोसिटी बिकम्स ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट इज वी सी डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू सी इज एच एक्वल टू जी और इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू जीरो बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस सिंस वी इक्वल टू वी सी यू इक्वल टू जीरो ए इक्वल टू जी एस इक्वल टू एच वी सी स्क्वायर जीरो प्लस टू जी एच और वी सी इक्वल टू अंडर वो टू जी एच दिस इज इक्वेशन फोर्थ, ओके काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज के सी इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर हाफ एम वी सी स्क्वायर और हाफ एम वी सी की वैल्यू क्या है अंडर रूट टू जी एच स्क्वायर करेंगे तो टू जी एच टू से टू कैंसिल काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी के सी इज एम जी एच एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी इज यू सी एम जी और इंटू हाइट हाइट सी पॉइंट पर कितनी हो गई जीरो फ्रॉम द सपेश ऑफ अर्थ तो एम जी इंटू जीरो इक्वल टू जीरो मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी इज ई सी और मैकेनिकल एनर्जी इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ई सी इक्वल टू के सी प्लस यू सी और ई सी इक्वल टू के सी की वैल्यू जी सॉरी एम जी एच एम जी एच और यू सी की वैल्यू जीरो इक्वल टू एम जी एच इक्वेशन फिफ्थ इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई सी तीनों स्टेट में स्टेज में क्या है मैकेनिकल एनर्जी ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई सी आर इक्वल इट इट मीन्स लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन Is valid for pre falling body. Pre falling body. It is clear from equation first, third, and fifth mechanical energy at point A, mechanical energy at point B and mechanical energy at point C are equal for pre-falling body. Pre-falling body under the gravity. It means in pre-falling of body. फॉलो इज द लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ओके नेक्स्ट अगली क्लास में